चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के अगले पार्ट पर, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि रणनीति पे मैं चर्चा करूंगा, और रणनीति पे मैंने चर्चा कल किया भी था आप लोगों से, ठीक है, मतलब पहले किया भी था। उसके बाद मैंने कहा था कि बीच में आपके मैराथन सेशन भी आएंगे, और मैराथन सेशन एक तो हो चुका है और एक और आएगा इसी महीने। मैराथन का सेशन होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा, कई सारे टॉपिक को उसमें कवर करूंगा। मैराथन का सेशन काफी लंबा होता है, सभी को पता भी होगा। उसके बाद स्ट्रेटजी रणनीति पे मैंने बताया भी था कि कैसे तैयारी करना है, कैसे तैयारी नहीं करना है, यूपीएससी की क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसा ही अप्रोच होना चाहिए। उसके आगे का पार्ट जो है मैं फिर लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। फिर मैंने क्लास दिया था करेंट अफेयर का टॉपिक का, तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, करेंट अफेयर के पार्ट पे बात करेंगे, और जो भी हम करेंट पढ़ेंगे, अपडेट पढ़ेंगे, एकदम लेटेस्ट पढ़ेंगे, और कोशिश करते हैं कि एक नई शुरुआत की जाए आप लोग के साथ, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं इतने दिनों से मेरे साथ। तो लेट अस क्रैक इट करते हैं यूपीएससी, क्योंकि 2021 का पेपर जो है 11 जून को है, तो समय कम है, काम ज्यादा है, और बहुत सारी परीक्षाएं हैं, इसलिए सभी लोग लग जाइए अभी से। लेट अस क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है, और इस चैनल पर सभी का स्वागत है, ठीक है। सभी लोग आ जाइए, टाइम हो चुका है, क्योंकि टाइम की कदर करना सीखिए आप लोग, क्योंकि एक बार टाइम निकल गया तो फिर दोबारा नहीं आता है दोस्त। तो लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनएकेडमी का ही चैनल है, और चैनल पे सभी का हम स्वागत करते हैं। इसमें टॉप एजुकेटर मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, 1 मिनट वेट कर लीजिए बस। वन मिनट वेट, प्लीज वेट। चलिए, अगर सब करिकुलम के बारे में बात करूं तो डेली लाइव क्लास मिलेगा। लाइव क्लास का मतलब होता है सीधा प्रसारण, टू वे कम्युनिकेशन, मतलब जो बोलूंगा, जो पढ़ाऊंगा, उससे आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, बीच में कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे आपके स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेगा। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी चलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी चलेगा, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स चलेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। टेस्ट और क्विज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि टेस्ट और क्विज देके अपनी क्वेरी को आप लोग दूर कर सकते हैं, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का बेनिफिट क्या होता है कि अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि अगर सपोज दैट लाइव क्लास नहीं भी कर पाते हैं, तो आप वो लाइव क्लास आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा किसी भी एजुकेटर का जो आप फॉलो करते हैं, और आप कभी भी उसको देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये अनअकैडमी का ऐप है, जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड ना करें किए हो तो डाउनलोड करें, बाकी मैक्सिमम लोग तो डाउनलोड कर ही चुके हैं, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शन सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, मैं आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और करेंट अफेयर पढ़ाऊंगा, और ये टेलीग्राम का लिंक है बेटा। आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने कई सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का। वो अनअकैडमी के ऐप पर पढ़ता हूँ, क्लास होता है, जो अनअकैडमी के ऐप पर क्लास होता है वो दिन में 12 बजे भी होता है, 11 बजे भी होता है, जो भी होगा टाइमिंग आपको मैं टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर देता हूँ। तो आपको पता है कि 3 टॉपिक उस पे कंप्लीट कर चुका हूँ, और करंट अफेयर पर डे में लेता ही हूँ क्लास, स्ट्रेटजी भी क्लास ले रहा हूँ, मैराथन का भी ले रहा हूँ, तो इन चीजों का ध्यान दीजिएगा। टेलीग्राम अनअकैडमी प्रेजेसवाल के नाम से। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर आपको दिखाई देते हैं यूपीएससी सीएससी के फील्ड के, वो सारे एजुकेटर यहाँ पे मिल जाएंगे, किसी भी एजुकेटर से आप क्लास ले सकते हैं। ये देखिए सब्सक्रिप्शन के बारे में, कई तरह के सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी का सब्सक्रिप्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है, एनसीईआरटी की समरी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री का है, ऑप्शनल कोर्स है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है, आर्ट एंड कल्चर के सब्सक्रिप्शन है, करंट अफेयर के हैं, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिशनर जी एंसर राइटिंग कोर्स, इन सभी के सब्सक्रिप्शन, क्योंकि मैं यूपीएससी सीएससी को ही डील करता हूँ, तो मैं यूपीएससी सीएससी के बारे में ही चर्चा करूंगा। और भी देखिए कई तरह के प्लान है, सब्सक्रिप्शन के जीएस के प्लान है, प्लस का भी है, आइकॉनिक का भी है। ये आई जो मैंने बताया अभी था, रणनीति में सबसे पहले यही बताया था कि 1 से 1.5 साल तक कोई भी पेपर नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना है। तो बेटा याद रखना कि 1.5 साल से 1 से 1.5 साल लगता है तैयारी में। तो ये सब रणनीति में बता चुका हूँ, आगे फिर रणनीति पे क्लास लूंगा मैं। तो देखिए 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, और 36 महीने का। अगर कोई मान लीजिए ऑन एवरेज 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेता है, 2 ईयर 3 ईयर्स मैंने तो आपको बता ही दिया है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 2 ईयर लेना है कि 3 ईयर्स लेना है। ये देखिए कोड यूज करेंगे 10%, किसी में भी सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट हो जाएगा, 44,550 पे करना होगा 1 ईयर का, और 2 ईयर का अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 6488 है, 800 सॉरी, 6488, 64,800।
लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, लिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा, ये आपके प्लस सब्सक्रिप्शन पे। दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, थोड़ा सा डिफरेंस है, आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ दिया जाएगा आपको, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का है, 69,500 फी है, कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा, और आफ्टर पेमेंट करना है 62,550, 10% डिस्काउंट। ये देखिए प्लस वाले चारों फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको आइकॉनिक में, जैसे लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ पर्सनल कोच मिलेगा जो आइकॉनिक में एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, स्टडी प्लानर होंगे आपके, और पर्सनली आपको फीडबैक दिया भी जाएगा। तो ये मिलेगा आपको आइकॉनिक में। अगर देखिए ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, जिसका वैकल्पिक विषयों के बारे में मैंने चर्चा किया था, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा भी था कि आपको वैकल्पिक विषय क्या लेना है, वो उस पर मैंने डिस्कशन भी किया था कि आपकी अभिरुचि किसमें है वैकल्पिक विषय के लिए। तो 1 महीने का भी है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, 36 महीने का, 1 ईयर का 27,500 है, कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट के साथ जो पेमेंट करना है 24,750 पेमेंट करना है। अब देखिए मैंने कहा कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर कॉम्बैट स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी का। तो ये अनअकैडमी का कॉम्बैट जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है और कॉम्बैट का क्या रोल है, इसके बारे में मैंने बताया भी था कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर टेस्ट होगा, और ये भी बताया कि हर अल्टरनेट संडे को होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 3 जनवरी को हुआ था जहां तक मुझे पता है, बताया भी था, फिर 10 को नहीं हुआ था, फिर 17 को हुआ था आपका, फिर 24 को नहीं होगा आपका, सीधे 31 को होगा। तो देखिए 31 जनवरी को दिन में 11 बजे आपका टेस्ट होने वाला है, इसलिए सभी लोग टेस्ट के लिए तैयार रहे। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टेस्ट होगा, कॉम्बैट जो होगा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होगा, सभी लड़के लड़के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अभी तक ना जानता हो इसके बारे में या पार्टिसिपेट नहीं किया हो, रजिस्ट्रेशन जब करेगा तो उसे PJ01 कोड यूज करना पड़ेगा, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा इसका, ठीक है। हर अल्टरनेट संडे को होगा, 45 मिनट का टेस्ट है, 60 क्वेश्चन है, 13 कॉम्बैट है, 6 सेक्शन होगा, रिलेटिव स्कोरिंग होगा, हर अल्टरनेट संडे को होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर कोई फर्स्ट से थर्ड रैंक लेके आता है तो उसको 3 महीने का यूपीएससी जीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, या 4 से लेके 150 रैंक किसी का आता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, 1,000 रुपए का अमेजन का वाउचर दिया जाएगा। और देखिए बहुत सारे बैचेज और भी स्टार्ट हो चुके हैं, आपको ऑलरेडी बता चुका था कि 18 जनवरी को भी बैच स्टार्ट हुए थे, फिर 25 जनवरी को भी देखिए बैच आ रहे हैं सर। 25 जनवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, और ये इंपॉर्टेंट डेट मैं बार बार कहता भी था आप लोगों को, क्योंकि आपका आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन भी बढ़ेगा इस डेट को। 1 मिनट वेट कर लीजिए, 1 मिनट वेट कर लीजिए, प्लीज वेट, प्लीज वेट बेटा, 1 मिनट, ठीक। क्योंकि आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन भी बढ़ने वाला है, और 25 जनवरी को बहुत सारे नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे मैंने कहा कि जिसको 21 को देना हो, 22 को देना हो, या 23 को पेपर देना हो, 25 जनवरी को बैचेज हैं। ये देखिए बहुत सारे 6 महीने के बैच हैं, बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और देखिए 1 ईयर के भी बैच है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश है, हिंदी में भी है, और 2 ईयर के भी बैच है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी में भी है, एनसीईआरटी के भी बैच है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश है, हिंदी में भी। तो जिसको 21 में देना हो, 22 में देना हो, 23 में देना हो, 25 जनवरी को बैच आ रहा है, और 25 जनवरी को आपका आइकॉनिक का प्राइस एकदम बढ़ जाएगा। ये लास्ट डेट है एकदम कि 25 जनवरी को जो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जिसको लेना हो, याद रखिए 25 जनवरी को डेट बढ़ जाएगा। कोड यूज कर सकते हैं PJ01, इसमें भी किसी में भी आपको सब ज्वाइन करना हो तो कोड यूज कर सकते हैं PJ01, ठीक है, कहीं पर भी यूज हो सकता है कोड PJ01, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कल मैंने कहा था कि आगे चर्चा कर लूंगा, कल नहीं हो पाया था इसके बारे में चर्चा। तो सबसे पहले तो यहां तक कोई डाउट तो होगा नहीं किसी को, वैसे सब लोग तो पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, सबको तो पता ही होगा सब कुछ। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग बात करते हैं, यहां से पहला टॉपिक आज स्टार्ट होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ सबसे पहली बात कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश आपको पता है कि कई सारे मामलों में नंबर वन है, जैसे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या भी सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश शेड्यूल ट्राइबल्स सबसे ज्यादा है। और भी आपको पता होगा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है कई बार पेपर में पूछा जाता है कि कहां पर पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसके बारे में क्यों चर्चा में है ये। मध्य प्रदेश ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हॉट एयर बैलून सफारी शुरू करने का निर्णय किया है, हॉट एयर बैलून सफारी, ठीक है, सफारी शुरू करने का निर्णय किया है। और यह देश के किसी भी बाघ आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत शुरू की जाने वाली देश की पहली हॉट एयर बैलून सफारी है, ठीक है। तो ये पूरे देश में पहली बार ऐसा है कि कहीं पर शुरू किया जाता है, किसी सफारी राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया जा रहा है, तो ये पहली बार जब हो रहा है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि एक बार पेपर में ये भी पूछा था कि बाघों की जो गणना की गई है कहीं पर सीसीटीवी लगे थे, तो ये क्वेश्चन आ गया था उस समय, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हॉट एयर बैलून सफारी जो होता है उसकी कहां पर शुरुआत की गई है, तो ये शुरू की गई है पहली बार बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में की गई है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यह देश के किसी भी बाघ आरक्षित क्षेत्र, ठीक है,
में शुरू की जाने वाली देश की पहली हॉट एयर बैलून सफारी है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और भी देखते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के विंध्य पर्वत पर स्थित भारत का सबसे बड़ा लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है कि बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के, ये भी ध्यान दीजिएगा, विंध्य पर्वत पर स्थित भारत का सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो अगर कोई भी पूछे कि बांधवगढ़ कहाँ पे पड़ता है, तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है और यह भारत का सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में देश का पहला हॉट एयर बैलून सफारी शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जो भारत का पहला हॉट एयर बैलून सफारी होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो ये देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ को 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यह राष्ट्रीय उद्यान 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, यानी कि इसका जो एरिया है 448 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पड़ता है और 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे ज्यादा भारत में बाघ, टाइगर जो है वो कहां पर पाए जाते हैं, तो वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उसके बाद कर्नाटका में पाए जाते हैं। तो ये पेपर में कई बार पूछा गया कि मध्य प्रदेश फिर कर्नाटका, तो ये सब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा भारत में बाघों की संख्या कहाँ पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक बाघों की जो संख्या है, बाघों का जो नंबर्स है, वो राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में विंध्य पर्वत पर स्थित है और यह भारत का सबसे मतलब लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है और जिसमें हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की जा रही है। गौरतलब है कि भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं और 2019 की बाघ जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 526 बाघ सबसे अधिक, मैंने कहा ना कि सबसे अधिक बाघ यहीं पर पाए जाते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। 526 2019 की जो जनगणना की गई थी बाघों की, उसमें यह बताया गया कि सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में पाई गई है। इसको ध्यान से पढ़ लेना बेटा, खूब पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा उसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखना भी पड़ेगा। तो वहीं पर 1 2 3 करके 4 करके पूछ देगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में, और आपको पता अगर रहेगा तो आप लोग आराम से खेल लेंगे। तो देखिए यहीं से कई सारे क्वेश्चन आ गए, जैसे कि हॉट एयर बैलून सफारी जो बात की है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, क्या ये भारत में इसके पहले भी कहीं पर हो चुका था कि नहीं हो चुका था, क्या ये किस एरिया में पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, किस प्रदेश में पड़ता है, और सबसे ज्यादा बाघों की संख्या किस स्टेट में पाई जाती है और किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। तो ये इतने क्वेश्चंस हैं जो आपको आई थिंक, मुझे लग रहा है कि ये क्लियर हो चुके होंगे। इस राष्ट्रीय उद्यान की महत्व और संभवता को देखते हुए 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क के अंतर्गत लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क 1993 में इसे, इसकी भव्यता को देखते हुए, इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क के अंतर्गत लाया गया था। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए प्रोजेक्ट टाइगर सबको पता है, पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथ एलिफेंट, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया था। ये पेपर में आप देखिएगा, स्टेट पीसीएस के पेपर में या यूपीएससी के पेपर में खूब क्वेश्चन पूछा है इसमें कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत निम्नलिखित में से कब की गई थी। तो 1973 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत में उपलब्ध बाघों की संख्या के वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक मूल्यों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। इसीलिए इस 1973 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और उस प्रोजेक्ट टाइगर का मेन पर्पज क्या था कि भारत में बाघों की आखिर एक्चुअली संख्या है कितनी, या वैज्ञानिक तरीके से या आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों का संरक्षण कैसे सुनिश्चित करना है। इसके तहत अब तक 50 टाइगर रिजर्व बनाए जा चुके हैं और प्रोजेक्ट टाइगर के क्रियान्वयन के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन भी किया गया है और इसका गठन 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था। तो ये पेपर में लगातार पूछा है कि 2006 वाला जो है किस एक्ट के थ्रू किया गया था, तो इसका गठन 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। तो एकदम ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो उनकी संख्या लगभग अभी तक की जो फिलहाल रिपोर्ट है 50 टाइगर रिजर्व बनाए जा चुके हैं और जैसे मैंने कहा कि एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन भी किया गया है और इसका गठन 2006 में किया गया था, प्रोजेक्ट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था। तो एकदम ध्यान से पढ़ लेना बेटा, ये देखिए बाघ देख रहे हैं, बाघ टाइगर तो सबसे ज्यादा संख्या भी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश कई कामों में फेमस भी है मध्य प्रदेश।
और मध्य प्रदेश से डिस्ट्रीब्यूट होके छत्तीसगढ़ भी, और मतलब अलग किया गया था, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, और आपको पता होगा कि यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड, राज्यों के रूप में आए थे, और जो सन 2000 में, और आपको पता होगा बिहार से अलग होकर झारखंड का स्थापना हुआ था। कमेंट करके कोई बता सकता है क्या कब कब हुआ था, कब अलग किया गया था झारखंड को, उत्तराखंड को और आपके छत्तीसगढ़ को? या इतना सब मैंने बता दिया तो आप मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है, मध्य प्रदेश का सीएम कौन है और वहां के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल गवर्नर कौन है और वहां के सीएम कौन है? कमेंट कीजिए और आप लोग बताइए जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हों, क्योंकि जरूरी है चीजें, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, आंसर दीजिए सब के सब जितने भी जुड़े हों मुझसे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी के सभी। ठीक है, चलिए और देखिए, हॉट एयर बैलून के बारे में देखिए क्या है। हॉट एयर बैलून जो है, भाई बैलून क्या होता है, गुब्बारा होता है, तो बैलून बड़ा वाला समझिए। तो हॉट एयर बैलून जो है, आकाश में उड़ेगा बैलून, गर्म हवा की मदद से उड़ने वाला एक गुब्बारा होता है। चूंकि गर्म हवा तुलनात्मक रूप से हल्की होती है, इसीलिए यह ऊपर उठती है और अपने साथ सामान या आदमी को भी ऊपर ले जाती है। और एक गर्म हवा का गुब्बारा किसी कपड़े या ऐसे पदार्थ से बना एक गैस बैग होता है जिसका निचला हिस्सा खुला होता है, इसीलिए इसे हॉट एयर बैलून कहते हैं। ठीक है, और ये जो शुरू किया गया है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है, तो ध्यान से देख लीजिएगा गुब्बारा किसे कहते हैं, सभी लोगों को पता है। और जैसे मैंने कहा कि हॉट एयर बैलून गर्म हवा की मदद से उड़ने वाला एक गुब्बारा होता है और गर्म हवा तुलनात्मक रूप से हल्की होती है, इसीलिए ऊपर की तरफ वो उठती है और अपने साथ सामान या आदमी को भी ऊपर ले जाती है। और एक गर्म हवा का गुब्बारा किसी कपड़े या ऐसे पदार्थ से बना एक गैस का होता है, बैग होता है, जिसका निचला हिस्सा खुला होता है। इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके निचले हिस्से में एक ही टोकरी लगी होती है जिसमें यात्री बैठ सकते हैं, और चूंकि यात्री बैठेंगे ये ऊपर की तरफ उड़ेगा, तो उसका भी आनंद आप लोग ले सकते हैं। और टोकरी के ऊपर एक अंगीठी जैसी युक्ति लगी होती है जो गुब्बारे में की हवा को गर्म करती है, गुब्बारा ऊपर उठता चला जाता है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के हिसाब से जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको इस टॉपिक से कम ये पता चला कि भारत में पहली बार कहां पर शुरू किया गया था, कहां शुरू किया गया, क्या इसके पहले कहीं शुरू किया गया कि नहीं शुरू किया गया है, या मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है कहां पर, किस एरिया में पाए जाते हैं, और आपको कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, कौन सा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, कब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की बात की गई थी, और सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इसकी व्यापकता को देखते हुए इस सारे क्वेश्चन का आंसर इसी टॉपिक से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत का विवादित नक्शा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा किसी को, क्योंकि आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, डाउट किस बात का होगा बताइए। पढ़े लिखे बच्चों को डाउट होता है? नहीं होता है। तो WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत का विवादित नक्शा शुरू किया, दिखाया गया है, पेश किया गया है, और इसकी जरूरत क्या पड़ गई? अभी तो कोरोना महामारी चल रही थी, कोरोना महामारी के बीच में अगर आप विवादित नक्शा दिखाएंगे तो फिर दिक्कत तो होगा ही। और विवादित नक्शा वो भी इस समय भारत का, क्योंकि भारत अब वो भारत तो है नहीं, हमारा देश अभी हाल ही में, आपको जब मैंने मैराथन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बने हैं, उनको ना जाने कितने देशों से उनको अवार्ड दिए गए, सबका बताया भी था, सऊदी अरब से लगाए सबका बताया था, लीजन ऑफ मेरिट भी बताया था, अमेरिका से मिला है, जायद पुरस्कार भी मिला, सब पुरस्कार बताया था। और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, आपको पता है कि इस समय धारा 370 वहां हटी और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, किया गया है। और जम्मू और कश्मीर वैसे भी एक ज्वलंत मुद्दा था, सभी को पता होगा, धारा 370 को लेके सरकार ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया है। और इतना जल्दीबाजी में क्यों, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की मैं बात कर रहा हूं, इतनी जल्दीबाजी ये क्यों कर रहा है कि विवादित नक्शा इनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होता है, वो रोज चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो कुछ ना कुछ होगा फिर।
तो कुछ होने के पहले, कुछ पढ़ाने के पहले, मैं दो चार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दूं कि आप मुझे जम्मू और कश्मीर, और जो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश, आप प्लीज दोनों के वहां के इस समय राज्य उपराज्यपाल कौन है पहले आप बताइए, क्योंकि उपराज्यपाल ही होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, बताइए कौन है, चलिए कमेंट करके बताइए। और ये भी क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश अब हैं, ये भी बताइए आप मुझे, क्योंकि पहले जम्मू और कश्मीर राज्य था, अब तो उसको केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो अब बताइए कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कमेंट कीजिए आप सभी के सभी। कमेंट कीजिए सभी के सभी, बेटा कमेंट करो। बेटा देखो, कुछ भी पढ़ने के पहले आप लोग दोनों तरह से पढ़ो यार, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, कमेंट करो, सीखो, क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं कॉपी पे लिखो, घर पे जाओ उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करो, ठीक है। जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जो बनाए गए थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब बनाए गए थे, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया, तबादला हो गया, उनको किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है, कमेंट करके बताइए उनको किस डिपार्टमेंट में भेजा गया है। और वर्तमान में जो है इस समय उनका नाम है मनोज सिन्हा साहब है, जो पूर्व मोदी जी के गवर्नमेंट में है, मोदी 1.0 जो 2014 से 19 तक चला था, देश के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए, मनोज सिन्हा साहब गाजीपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, खैर इतना नहीं जानना है, बस मुद्दे की चीज जानना। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के संदर्भ में विवादित नक्शा पेश किया है, और क्या है अपने विवादित नक्शे में भारत के दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को भारतीय भूमि से अलग दर्शाए गए, बताओ ये होते कौन है दिखाने वाले, और वो भी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, नक्शा दिखाने वाले, यानी कि ये भड़काना चाहते हैं हमको, इन दोनों भागों को ये भारत के नक्शे से बाहर दिखा रहे हैं, अलग दर्शाया गया है WHO की तरफ से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उक्त नक्शा COVID-19 महामारी की स्थिति के संदर्भ में जारी किया है, और इसमें विभिन्न देशों को रंग कोविड नक्शे में दर्शाया गया है, यहाँ पे कोविड है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, कोविड नक्शा है ये, रंग जो है कोविड नक्शे मतलब कलर कोडेड, ठीक है, कोडेड नक्शा में दिखाया गया, सॉरी, या रंग कलर कोडेड मैप में दर्शाया गया है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मतलब कोडेड कलर में दिखाया गया, कोडेड है यहाँ पे, कोडेड कलर मतलब कोडेड रंग में दिखाया गया है, यानी कि विभिन्न देशों को रंग कोडेड मतलब नक्शे में दिखाया गया है, बस ये कहने का मतलब आप ध्यान से रखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उक्त नक्शा जो जारी किया है, WHO, वही WHO है जो कहानी सुनाता था कि कोरोना महामारी जो शुरुआत हुई है चीन के वुहान शहर से हुई है, अगर WHO के हेड जो थे वो उन्होंने सही समय पे अगर बता भी दिया होता तो बहुत सारे लोग कोरोना महामारी से बच भी गए होते, ठीक है, खैर मैं इन पे कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उक्त नक्शा जो है COVID-19 महामारी की स्थिति के संदर्भ में जारी किया है, और इसमें विभिन्न देशों को रंग कोडेड नक्शे मतलब कलर कोडेड मैप में दर्शाया गया है, बस इतना समझिए, बाकी वो सही लिखा था, कोडेड है वो, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सभी जानते भी है इसके बारे में। उक्त नक्शा में भारत को नेवी ब्लू के रूप में दिखाया गया है, यानी कि रंग कोडेड के रूप में दिखाया गया है, लेकिन जो नक्शा है उसमें भारत को नेवी ब्लू के रूप में दिखाया गया है, जबकि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को एक अलग क्षेत्र के रूप में ग्रे रंग में दिखाया गया है, यानी कि बाकी सब जगह नेवी ब्लू दिखा रहा है वो। और बताइए जम्मू और कश्मीर जो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको अभी हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया है, जो इतना बड़ा जो कहानी अभी तक चल रही थी धारा 370 को लेके, अब शांति का माहौल वहां बना हुआ है, और ये क्या कर रहे हैं WHO जी, ये क्या कर रहे हैं, उसको एक अलग क्षेत्र के रूप में ग्रे कलर के रूप में रंग में दिखाया गया है, तो इसकी जरूरत क्या पड़ गई इनको, और आप कौन होते हैं दिखाने वाले, वो भी उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे ऑलरेडी सारी चीजें शांत हो चुकी थी, सब कुछ अमन चैन चल रहा है, लेकिन आप चीजों को क्यों दिखाना चाहते हैं सब चीजों को, यानी उक्त नक्शे में भारत को नेवी ब्लू के रूप में दिखाया जा रहा है, लेकिन जम्मू और कश्मीर के लद्दाख को एक अलग कलर के रूप में, वो भी ग्रे कलर के रूप में आप दिखा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऑक्साई चीन की विवादित सीमा को चीन क्षेत्र के समान रंग में दर्शाया गया, बताइए कहीं का नहीं छोड़ रहे हो, ये क्या कहें इसे। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह कृत्य चीन की साठगांठ से किया है ताकि भारतीयों की भावनाओं को चोट पहुंचाई जा सके। गजब है यार, अभी तो हम शांति से अमन की बात कर रहे हैं वहां के लोगों से रोज हम प्यार से समझाने की, मेन स्ट्रीम में लाने की वहां के युवाओं की कोशिश कर रहे हैं, जो युवा वहां पे भटके हुए थे, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, पहुंचाया जा सके, इसके लिए WHO को भारत से माफी मांगने और त्रुटि को सुधारने की जरूरत है, ऐसा कहा गया है।
हालांकि इन चीजों के बारे में WHO को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किसके दबाव में ये काम वो कर रहा है। और अभी रिसेंटली आपको मैंने बताया था कि WHO ही है जो जा रहा है, चीन जा रहा है, वुहान जा रहा है, जाके वहां पर रिसर्च भी करेगा, वहां पे जाके पता भी करेगा कि क्या वुहान शहर से ही कोरोना महामारी फैली थी कि क्या कोई और रीजन था। खैर ये तो जब आएगा रिपोर्ट तो यही लोग बताएंगे, इस चीजों को आप लोग देख लीजिएगा। तो मैंने कहा ना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जम्मू और लद्दाख के बारे में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सभी जानते भी होंगे, इसका पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 खंड एक के सिवाय इस अनुच्छेद के सारे खंडों को हटा दिया गया था और राज्य का विभाजन कर दो केंद्रशासित प्रदेश जिनका नाम था जम्मू कश्मीर जहां विधानसभा सहित है एवं लद्दाख जो है जहां विधानसभा नहीं है का गठन कर दिया गया। यानी कि दो केंद्रशासित प्रदेश तो बनाए गए थे लेकिन जो दो केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए थे इसमें जम्मू और कश्मीर में जो है आपका विधानसभा रहेगा, विधानसभा वहां पे रहेगी और लद्दाख जो है बिना विधानसभा का रहेगा, वहां पर गठन कर दिया गया था। सभी को पता होगा 2019 में ये सब अधिनियम लाया गया था, एक्ट लाया गया था और जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित एक्ट था ये, जिसमें 370 अनुच्छेद 370 के खंड एक के सिवाय इस अनुच्छेद के सारे खंडों को हटा दिया गया था और राज्य का विभाजन करके दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे जहां जम्मू और कश्मीर में आपका विधानसभा है और जम्मू और कश्मीर लद्दाख में विधानसभा नहीं है, तो दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। इस अधिनियम के पारित होने के बाद से अब राज्य में अनुच्छेद 370A1 ही लागू रहेगा क्योंकि 370 के खंड 1 को ही छोड़ के बाकी सबको बाहर कर दिया गया था, बाकी सब खंडों को हटा दिया गया था। इसीलिए मैंने कहा कि इस एक्ट के पारित होने के बाद जम्मू और कश्मीर में राज्य में 370(1) ही लागू रहेगा जो भारत की संसद द्वारा पार्लियामेंट द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनाने से संबंधित है। इसको ध्यान से पढ़िए और बाकी लोग तो सब लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, इतने दिन हो भी गया और इतना बड़ा मुद्दा जो इतने दिनों से अटका हुआ था इस सरकार ने उस चीजों को सॉल्व भी किया है। ठीक है, अक्साई चीन के बारे में जानिए, क्या है अक्साई चीन, जो हमको चिढ़ाने के लिए या जो हमको रिझाने के लिए यह सब किया गया है उनकी तरफ से या चीन की सांठगांठ की तरफ से किया गया है, WHO चीन की सांठगांठ की वजह से ये सब किए हैं वो सब। देखिए अक्साई चीन एक ऐसा क्षेत्र है जो चीन द्वारा अपने शिजियांग प्रांत और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रों के हिस्से के रूप में प्रशासित किया जाता है और पढ़ा भी चुका हूं शिजियांग प्रांत के बारे में। और अक्साई चीन क्षेत्र कश्मीर के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में श्योक नदी के पूर्व में स्थित है और 1950 के दशक के उत्तरार्ध से भारत और चीन इस क्षेत्र को लेकर विवाद अभी ऑलरेडी बना हुआ है और विवाद का मुद्दा भी है और WHO ने तो आग में घी का डाल काम कर भी दिया है, देख रहे हैं आप लोग। हालांकि इन चीजों को इन सब इस समय तो नहीं ही करना चाहिए था लेकिन क्या करें, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो यही सब चीजें हैं, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए और किसी कोई डाउट है, WHO को पता ही है कि WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और ये पेपर में हर साल पूछे भी जाते हैं। देखिए इतना महत्वपूर्ण इनका है, इतना महत्वपूर्ण इनका रोल है और ये काम कौन सा कर रहे हैं, इसकी स्थापना ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हर साल पेपर में पूछा जाता है। विश्व संगठन का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और आमतौर पर विश्व संगठन अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा WHO के बारे में, इन्होंने तो विवादित नक्शा प्रस्तुत भी कर दिया है जिसमें सबको नेवी ब्लू दिखा रहे हैं लेकिन जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को आप क्या दिखा रहे हैं, ग्रे कलर में दिखा रहे हैं। बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा, किसके दबाव में करना है आपका, तो इन सब चीजों को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, भारत 12 जनवरी 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन संविधान का पक्षकार बना था और COVID-19 महामारी के निदान में भी भारत का विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सहयोगी ग्रुप में कार्य कर रहे हैं और हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की थी और इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने मलेरिया के मामलों में कमी लाने के काम में काफी प्रभावी प्रगति की है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा था की पॉइंट समझ लीजिए कि कुछ अलग से एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे कि भारत 12 जनवरी 1948 को विश्व संगठन का संविधान पक्षकार बना था और COVID-19 में दोनों ने मिलकर बड़े अच्छे से काम भी किया है और जैसे मैंने कहा कि एक रिपोर्ट जारी उनकी तरफ से किया गया मलेरिया रिपोर्ट 2020 और इसमें कहा गया कि भारत ने मलेरिया के मामलों में कमी लाने के लिए जो काम किए हैं काफी सराहनीय काम है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, प्रभावी प्रगति इस पे किया गया। अगला है कानूनी इकाई पहचानकर्ता, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर पहचानकर्ता क्या है ये सब चीजें, यहां तक कोई डाउट तो होगा नहीं किसी को क्योंकि सब बता ही देता हूं तो डाउट कहां से होगा। तो आइडेंटिफायर है, ठीक है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कानूनी इकाई पहचानकर्ता LEI। ठीक है, कई सारी चीजें होती हैं, जैसे मैंने कहा कि करंट अफेयर को करंट अफेयर की तरफ मत पढ़िए, हर मुद्दे को देखिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कोई भी मुद्दा होता है।
तो अपने तरीके से नोट्स बनाते चलिए आप सभी के समय। खैर तीसरे टॉपिक को देख लेते हैं, कानूनी इकाई पहचानकर्ता। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक आरबीआई, कौन है इस समय गवर्नर आरबीआई के? आरबीआई के गवर्नर कौन है भाई साहब बताइए? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है या आरबीआई की स्थापना कब की गई थी बताओ। चलो तीन क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जवाब दीजिए सभी के सभी। ऐसे कैसे काम चलेगा, बच के चले ऐसे जाओगे? तीन क्वेश्चन तीनों का जवाब दीजिए। आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई हुई थी और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? तीन क्वेश्चन बताइए। कुछ भी नहीं छूटेगा बेटा, मेरे साथ बने रहेंगे जब तक रहूंगा मैं, तब तक करंट अफेयर हुआ चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हुआ मतलब हिस्ट्री हुआ, एकदम बेसिक जीरो टॉप लेवल पढ़ाया जाएगा आपको। कहीं से भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, इतना तो मैं बता ही देता हूँ, जितना मैं स्लाइड से बताता हूँ उससे ज्यादा तो मैं बोल के बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि वो चीजें जरूरी है, क्योंकि एनालिसिस बहुत जरूरी है किसी भी चीज का। क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी के सभी। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल से, तो अप्रैल आने वाला है, 1 अप्रैल बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है, क्या मनाया जाता है 1 अप्रैल को? कमेंट कीजिए सभी के सभी, 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, कोई है बता सके? चार क्वेश्चन हो गया बेटा। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है और आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, किस एक्ट के थ्रू की गई थी? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी के सभी। आंसर दो, आंसर डोंट इधर उधर, आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है? तो बैंकों का बैंक है आरबीआई। अच्छा भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं इस समय बेटा? जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पेपर में आते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना, जो शब्दों को जो मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, ऐसे नहीं पूछता हूँ, कॉपी पे लिखा करो नहीं आता है तब भी। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है बेटा, राष्ट्रीयकृत बैंक इस समय कितने हैं, कोई है बताने वाला जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में मुझे बता सके? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप सभी के सभी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल से आरटीजीएस और नेफ्ट यानी एफटी जिसे कहते हैं, नेफ्ट कहते हैं, के माध्यम से बड़े मूल्य के लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता जिसे लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। किसने लिया भैया? आरबीआई द्वारा अप्रैल से किया गया है कि अगर आप आरटीजीएस या नेफ्ट के द्वारा बड़े मूल्य का लेन देन करते हैं तो आपको कानूनी इकाई पहचानकर्ता को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, और प्रारंभ की जाने वाली कानूनी इकाई पहचानकर्ता अभी 50 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के मामले में ही अनिवार्य किया गया है। कि भैया अभी तक जो लेन देन होगा वो 50 करोड़ से अधिक का अगर ट्रांजेक्शन होता है तो अधिक लेन देन के मामले में ही अनिवार्य किया गया है, जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को, अगर आप आरटीजीएस या नेफ्ट के थ्रू करते हैं तो आपको जो है पहचान के रूप में 50 करोड़ से अधिक अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो लेन देन के मामले में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? इसका निर्णय लिया गया है, कोई भी डाउट? तो बस इसमें ज्यादा बताने लायक तो नहीं है, ठीक है? ये लिया ही देखिए, ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो है लीगल करना है, कानूनी इकाई पहचानकर्ता के रूप में बताना है 50 करोड़ से अधिक के ट्रांजेक्शन पर। और देखिए क्या है कानूनी इकाई पहचानकर्ता, देखिए समझ जाएंगे आप लोग। कानूनी इकाई पहचानकर्ता एक 20 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेन देन के लिए पार्टियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, उस पे कुछ नंबर होते हैं, कितने डिजिट के होते हैं, 10 या 12? आंसर दीजिए जल्दी। वैसे ही कानूनी इकाई पहचानकर्ता एक 20 अंक की 20 अक्षर का, जैसे मान लीजिए 4 है 4 है 4 है 4 ऐसे ही है, मान लीजिए जितने भी आधार कार्ड जैसे ऐसे ये 20 डिजिट का होता है, तो 20 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या होता है जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेन देन मतलब ट्रांजेक्शन के लिए, पैसे का ट्रांजेक्शन ही होता है बेटा, पार्टियों की पहचान करने के लिए किया जाता है, और वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में इसकी परिकल्पना की गई थी। और भारत
के अंदर एलईआई कोड को कानूनी पहचानकर्ता इकाई इंडिया लिमिटेड से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना महामारी बीच में आई भी है और वित्तीय संकट की समस्या भी उत्पन्न हो गई थी। इस समस्या से निदान लेने के लिए जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में इसकी कल्पना की गई थी। और जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर एलईआई कोड को कानूनी पहचानकर्ता इकाई इंडिया लिमिटेड से प्राप्त किया जा सकता है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहां तक तो कोई डाउट है तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि कितने के ज्यादा का ट्रांजेक्शन हो सकता है, क्या ये ग्लोबल लेवल पर होता है, क्या ये 20 अंक की होता है या 10 अंक की होता है, या इससे क्या इसका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन घुमा पूछे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत कानूनी पहचानकर्ता इकाई लिमिटेड को भारत में एलईआई कोड के जारीकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसी के बारे में आप लोग बता भी रहा हूं। विशेषताएं क्या क्या है, देखिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता कोड एक वित्तीय इकाई के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में काम करता है और नियामक संस्थाओं का पालन करने में मदद करता है। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या इसकी मूल विशेषताएं हैं। जैसे मैंने कहा कि पहचानकर्ता जो है कोड एक वित्तीय इकाई के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में काम करता है और नियामक आवश्यकताओं का पालन करने में मदद भी करता है। तो इस दोनों चीजों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट। ये ट्रेड रिपोजिटरी में लेन देन की रिपोर्टिंग को सुगम बनाता है और एलईआई को रिजर्व बैंक ने बड़े कॉर्पोरेट कर्जदारों के साथ ओवर द काउंटर ओटीसी व्युत्पन्न और गैर व्युत्पन्न बाजारों में प्रतिभागियों के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू कर दिया है। इसको तो आराम से इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ज्यादा डीप नहीं बताना है इसमें। और कानूनी पहचानकर्ता इकाई इंडिया लिमिटेड भारत में वैश्विक रूप से संगत कानूनी पहचानकर्ता इकाई जारी करने के लिए एक स्थानीय परिचालन इकाई के रूप में कार्य करता है। तो इसको आराम से देख लीजिए कितने डिजिट का होता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, कितने का ट्रांजेक्शन होता है और कौन सा ट्रांजेक्शन होता है, कितने करोड़ का ट्रांजेक्शन दिखाया जाता है, कितने अंक का होता है, और इसको आराम से आप लोग देख लीजिएगा। और पेपर में अगर कहीं भी क्वेश्चन आएंगे इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, यही सब है। यह भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीसीआईएल की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और भारत में विश्व स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर कानूनी पहचानकर्ता इकाई जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड को 2014 में अधिकृत किया गया था ताकि इसकी पहचान की जा सके। यहां तक देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप बताइए मुझे। कोई डाउट है किसी को, कोई भी डाउट डाउट हो तो बताइए वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड क्या है। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड की स्थापना अप्रैल 2001 में धन, सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और जिंस बाजारों में लेन देन के लिए गारंटीकृत समाशोधन और निपटान कार्यों के लिए की गई थी। यानी कि जो भारतीय समावेशन जिसकी बात कर रहे हैं, समाशोधन की जिसकी बात करें, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीसीआईएल जो मैं कह रहा था, उस सीसीआईएल के बारे में देखिए कि सीसीआईएल जो है यानी भारतीय समाशोधन है निगम लिमिटेड की स्थापना अप्रैल 2001 में धन के लिए, सरकारी प्रतिभूति के लिए, विदेशी मुद्रा के लिए और जिंस बाजारों में लेन देन के लिए गारंटीकृत समाशोधन और निपटान कार्यों के लिए की गई थी और सीसीआईएल वैश्विक एलईआई प्रणाली के नियामक परिषद समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसके द्वारा जारी विशिष्ट पहचान कोड विश्व स्तर पर स्वीकार होता है। तो वह 20 अंक की कोड है, वही स्वीकार होता है। बस यही सब चीजें इसमें बताया गया। देख लीजिए किसी को डाउट हो तो, कोई डाउट हो किसी को तो आप लोग देख लीजिए, फिर हमको बताइए, फिर हम आगे बढ़े जैसा भी हो। कोई डाउट, कोई भी डाउट जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी के सभी। कोई डाउट हो तो बताइए वरना आगे बढ़ा जाए। लास्ट टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक लेके चलूंगा, फिर मैराथन सेशन भी आएगा आप लोगों का और स्ट्रेटजी पे भी फिर बात किया जाएगा, रणनीति पे भी बात होगा। ठीक है, आप लोग जैसा भी हो आप लोग बताया कीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग कुछ अंदर ना रखा करें। ये अनअकैडमी का टेलीग्राम का लिंक है, मेरे अनअकैडमी प्रिंजसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है और इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा सकते हैं PJ01। हाँ, जब भी मेरी क्लास होती है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ लिंक, आपको बस लिंक को टेलीग्राम को फॉलो करते रहना है, अनअकैडमी का प्रिंजसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए कोई डाउट हो किसी को तो। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी के सभी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी के सभी। आंसर दीजिए सभी के सभी बेटा, आंसर आंसर से काम चलेगा।
ठीक है, आंसर दीजिए सभी सभी जितने क्वेश्चन पूछे हैं। अब ब्रिटेन के बारे में पढ़ते हैं, ब्रिटेन की संसद में कश्मीर पर चर्चा। यार कश्मीर पर चर्चा इतना हो क्यों रहा है? अभी मैंने पढ़ाया WHO के बारे में भी, अब इस पे भी देख लीजिए कुछ कहना चाहते हैं ये लोग भी। ये लोग वैसे भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, आप लोग देख ही रहे हैं कैसे कैसे क्या था इनकी कहानी पूरी ब्रिटेन की। तो ब्रेग्जिट भी हो चुका। खैर, हाल ही में ब्रिटेन की संसद में कश्मीर पर चर्चा हुई है। बहुत अच्छी बात है, चर्चा करना चाहिए, हम लोग चर्चा के लायक है, तभी तो तुम चर्चा करोगे। तो चर्चा देखते हैं क्या हुई है वहां पे। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कश्मीर मुद्दों पर की गई चर्चा को लेकर चिंता जाहिर की है। ठीक है कि भैया आप अपने मुद्दों पे बात करो ना, हमारे मुद्दों में क्यों इंटरफेयर करते हो यार? हमारे घर के मुद्दों में आप इंटरफेयर अभी भी कर रहे हो, गजब आदमी हो यार तुम। हमारे खुद के मुद्दे इतने सारे पड़े हुए हैं, उस पर तुम बात करो, तुम हमारे मुद्दों को लेके बात कर रहे हो, ये तो गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूं समझाने के लिए। इसके पूर्व अक्टूबर 2020 में धारा 370 के निरसन के 3 माह बाद इटली, ब्रिटेन, ये फ्रांस है, जर्मनी, चेक गणराज्य और पोलैंड से यूरोपीय संसद के 27 सदस्य वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने श्रीनगर यानी कश्मीर का दौरा किया था। आपको सभी को पता है, पेपर में आया हुआ था कि कहा गया था उस समय जब न्यूज में आता था कि धारा 370 जब समाप्त हुआ था कि डेलीगेशन आएगा बाहर से, वो यहाँ के लोगों के बारे में जानेगा, वो यहाँ के लोगों के बारे में पूछेगा, लोगों से बात करेगा, लोगों से ये करेगा, लोगों से संवाद करेगा। तो यही सब चीजें थी। क्या मिला, प्राप्ति हुआ आप लोगों को? अरे भाई वो हम लोग ऑलरेडी खुश है यार, सब हम भाई हैं, वो तो हमारे अपने ही हैं। आप लोग कौन सा घूमने जा रहे थे पहले तो ये बताओ। तो यही सब चीजें हैं। तो इससे पूर्व अक्टूबर 2020 में जैसे मैंने कहा कि धारा 370 की जो समाप्ति हुई थी, और वैसे कोरोना महामारी बीच में आई गई थी, देख ही रहे थे आप लोग, फिर भी नहीं है सम्मानित सब, और ये सब उसी समय भी आए थे सब, और ये जाके दौरा करके आए सब, खूब डल झील पे घूमे सब, खूब घुमाया गया इनको। तो 3 माह बाद इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चेक गणराज्य, पोलैंड से यूरोपीय संसद के 27 सदस्य वाले एक प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन श्रीनगर कश्मीर का दौरा करने आए थे। बताए क्या समझ में इनको आएगा ये बताओ, ये दौरा करके ये हमको बताएंगे कि वहां पे अमन है कि चैन है कि शांति है कि नहीं। अरे भैया वो कि लोग को तो हम शांति से रहने ही देते हैं, वो तो अपने भाई हैं, वो तो हमारा मतलब क्या बोला जाए, दिल की धड़कन है हमारे जम्मू और कश्मीर, हम सभी के। और जैसे तुम्हारा स्विट्जरलैंड है, वैसे हमारा कश्मीर स्विट्जरलैंड है, हसीन वादियां हैं, जब वहां पर अमन रहेगा, चैन रहेगा, सुकून रहेगा, तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू जनरेट होगा, वहां पे टूरिस्ट आएंगे, पर्यटक आएंगे, घूमेंगे, उनको सारी सुविधाएं मूलभूत मिलेंगी, और सरकार तरह तरह की प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है वहां पे, वहां के भटके हुए युवकों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, और वो लोग तो ऑलरेडी इतने अच्छे लोग हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ये डेलीगेशन आ रहा है, ये घूम के सर्वे करेगा कि वहां पे वाकई में स्थिति क्या है। कोरोना महामारी में भी ये लोग नहीं माने, अक्टूबर 2020 में ये पूरी डेलीगेशन 27 सदस्यों वाले जो डेलीगेशन है, ये खुद के डेलीगेशन जो है ब्रिटेन का ब्रिजेक्ट नहीं देख रहे हैं, ये आके श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे वाकई में धारा 370 के हटने के बाद यहाँ क्या स्थिति है। ये स्थिति का समस्या इनको बड़ी जल्दी चिंता है, चिंता तो हमें होनी चाहिए, लेकिन खैर कोई नहीं, आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, आप लोग आए हैं और ये सब किया भी गया, फिर रिपोर्ट भी दिया गया है, यही सब चीजें। तब पृष्ठभूमि देखिए क्या क्या था। इस चर्चा का आयोजन यूनाइटेड किंगडम यूके, उत्तराखंड में समझिएगा, यूनाइटेड किंगडम यूके वाला है ये, कि संसद के कुछ सदस्यों द्वारा कश्मीर की राजनीतिक स्थिति शीर्षक पर किया गया था, और कोई मुद्दा तो मिला नहीं। खैर इतने साल राज करके गए हैं सर, इतना जल्दी कैसे सुधरेंगे सर, यही सब चीजें हैं। इस चर्चा में शामिल सदस्यों ने जम्मू कश्मीर में कथित मानव अधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जाहिर की, बताइए, और कोई मुद्दा इनको नहीं मिला तो मानव अधिकार का उल्लंघन मिल गया इनको, और यूनाइटेड किंगडम की सरकार से इस क्षेत्र तक पहुंच प्राप्त करने की मांग की, ताकि जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है जिसे POK कहते हैं, कि प्रत्यक्ष रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की जा सके, ये इसका बैकग्राउंड है। ठीक है, अभी भी ये लोग शांति से नहीं है, इनका वही काम है फूट डालो राज करो वाली नीति जो पहले से लेके चलते आए हैं, और सब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाता ही हूँ। तो यही सब चीजें हैं कि इस चर्चा में यही शामिल किया गया कि जम्मू और कश्मीर में भैया मानव अधिकार का उल्लंघन चिंता जाहिर कर रही है, कि मानव अधिकारों का कुछ दिक्कतें हैं वहां पे, मानव अधिकारों को लेकर चिंता ये जाहिर कर रहे हैं। ये कितना हम लोगों मानव अधिकारों का हनन किए हैं इतने सालों तक, हम तो अमन चैन की बात करते हैं, हम तो वैसे भी लिबरल लोग हैं, हम लोग तो वैसे भी शांति से रहते हैं, अमन चैन की बात करते हैं, और वो तो बहुत अच्छे पोलाइट लोग हैं, कितने प्यारे लोग हैं वो, कितने खूबसूरत, मतलब उनके लोगों से मिलकर मिलिए कितने अच्छे होते हैं,
लेकिन ये लोग हमेशा परेशान रहते हैं। अभी मैंने WHO का भी पढ़ाया कि पूरे सबका दिखा रहा है कि आपको नेवी ब्लू हर जगह भारत में, और उस पर्टिकुलर जगह को, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को दिखा रहा है ग्रे लिस्ट, ग्रे कलर में दिखा रहा है। इससे क्या मतलब है कोडेड फॉर्म में जो दिखा रहे हो? यानी कि कुछ तुम कहना चाहते हो, यानी तुम अक्साई चीन के दबाव में कुछ कहना चाहते हो। खैर, तो जो भी है आप लोगों के सामने है। भारत की चिंता क्या है? देखिए, इस चर्चा में कश्मीर के संदर्भ में प्रयोग की गई शब्दावली पर भारत ने चिंता जाहिर की है, और जाहिर करना लाजमी भी है। और भारत के अनुसार ब्रिटिश सांसदों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जो कि भारत का अभिन्न अंग है, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच अंतर करना चाहिए। आप खुद डिफरेंस देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं, आप POK की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अभी तो वो विवादित मुद्दा है यार, वो तो हम लोग का है, उस पर तो अभी बात होगी ही। अभी तो जिसपे बात हुई है उस पर बात हुई है, आने वाले समय में उस पर भी बात होगी। तो सरकार ने पूरा चिंता जाहिर की है कश्मीर के संदर्भ में, इस पर्टिकुलर शब्द पे चिंता जाहिर की गई है कि आप कह रहे हैं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वहां पे, हम इसकी चिंता जाहिर कर रहे हैं। आप अपनी चिंता कीजिए ना, आपका ब्रिटेन का तो ब्रिजेक्ट हो चुका है, आप अपना देखिए कारोबार कहाँ चल रहा है। तो यही सब चीजें हैं, आप लोग आराम से इसको देख लीजिएगा। भारत ने चिंता जाहिर की, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया भी होगा चीजों को। अक्टूबर 1947 में जब कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत को कानूनी रूप से भारत में शामिल किया गया था, आपको पता है कि अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, तब कश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान द्वारा जबरन अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। अगर वहां के राजा जो है पहले ही बोल दिए होते, तो खैर पता ही है कि कौन सा ऑपरेशन लगाया गया था, जब देसी रियासतों का एकीकरण जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, गृह मंत्री जो हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगर वहां के राजा हरि सिंह पहले ही विलय पत्र पे साइन कर दिए होते तो शायद ये देखने को भी हमको ना मिलता जो आज दिखाई दे रहा है। लेकिन उनको लास्ट में समझ में आया कि भाई हमको यहां रहना है। तो वही मैं कह रहा हूं कि अक्टूबर 1947 में जब कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत, जो रियासतें थी छोटी छोटी रियासतें थी, और इतने ज्यादा रियासतों को एक व्यक्ति की देन है जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देसी रियासतों का एकीकरण किया, कई जगह विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, कई जगह ऑपरेशन पोलो लगाए गए, तरह तरह से समझाए गए, जिसको जिस भाषा में समझना था उस भाषा में समझा, और इतने बड़े रियासतों को एकीकृत करने काम आसान तो था नहीं, कठिन था, लेकिन किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया, देश के गृह मंत्री थे। तो वही मैंने कहा कि पूर्ववर्ती रियासत को कानूनी रूप से भारत में शामिल किया गया था, तब से कश्मीर के कुछ हिस्से पर, क्योंकि पाकिस्तान उधर से चढ़ाई कर दिया था, तो वही जो चढ़ाई किया है पाकिस्तान द्वारा जबरन अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, और अभी विवाद चल रहा है, आने वाले समय में वो भी हमारे देश का हिस्सा ही होगा POK। ठीक है, अभी वेट कीजिए, इंतजार करते हैं, फिर उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। पेशेंस तो वैसे भी हम लोग पास बहुत है। इस चर्चा के दौरान जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की वर्तमान जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया गया है, और इसके बजाय एक तीसरे देश पाकिस्तान द्वारा प्रचारित झूठे दावों जैसे कथित नरसंहार, उग्र हिंसा आदि पर चर्चा की गई। बताइए, मैं बार बार कहता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, किसी भी देश के किसी भी देश से हो सकते हैं। हमारे और पाकिस्तान के बीच में कितना प्यारा संबंध है, लेकिन बीच में ये लोग आके कहानी सुनाना चालू करते हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि सर आप वहां पे नरसंहार जैसा शब्द, उग्र हिंसा जैसा शब्द, मानवाधिकार का उल्लंघन जैसा शब्द, इन चीजों पे ये चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं। तो खैर, पाकिस्तान का तो काम ही है, युद्ध स्टार्ट वो करता है, एंड हम करते हैं। तो इन सब चीजों को आप लोग आराम से देखिएगा और खुद विचार कीजिएगा, और जिस तरह के क्वेश्चंस आए, और मैं बार बार कहता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन में रोज कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, जहां पर जो भी डेलीगेशन, मान लीजिए आज कुछ हो गया, कल कुछ और नई घटना, मतलब चीजें हुई, बीच में संवाद भी होता है, क्योंकि हर देश से संवाद तो जरूरी भी है, क्योंकि बिना संवाद के कोई आगे बढ़ भी नहीं सकता है। उसका मेन रीजन है संवाद करना, कहने के लिए तो कुछ भी कोई कर सकता है, लेकिन उसका मेन होता है संवाद से ही चीजें सॉल्व हो सकती है। डोकलाम का भी विवाद हुआ था चाइना के साथ, तो हमने उनसे बात किया, उन्होंने भी बात किया, हमारे भी मंत्री ने बात किया, दोनों ने मिलकर उस मामले को सॉर्ट आउट किए। खैर, तो यही सब चीजें हैं। तो इस चर्चा के दौरान जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश की वर्तमान जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करते हुए ये कहा गया है कि भैया पाकिस्तान ये कह रहा है, पाकिस्तान क्या सुन रहे हैं, यानी कि अभी आदत गई नहीं, ये सब चीजें हैं। पाकिस्तान द्वारा प्रचारित झूठे दावों जैसे नरसंहार है, उग्र हिंसा हो रही है यहाँ पर, आदि शब्दों पर चर्चा की गई है। बताइए, तो ये सब चीजें हैं, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा,
तो मुझे उम्मीद है कि चीजें अच्छे से समझ में भी आई होंगी। भारत का पक्ष क्या है कि लंदन में भारतीय उच्च आयोग ने रेखांकित किया है कि बीते वर्ष शुरू की गई स्मार्ट वाईफाई परियोजना ने इस क्षेत्र में उच्च गति इंटरनेट के उपयोग को सक्षम बनाया है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2020 में हुई आतंकी हमलों, चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति और महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद जिला विकास परिषद के चुनाव आयोजित किए गए थे। सभी लोग दिसंबर में देखे भी होंगे, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी गया था। आप वहां पे कह रहे थे, न्यूज में आ रही थी कि पे इंटरनेट नहीं चल रहा, इंटरनेट को बैन किया गया। अरे भैया, समस्या थी उसको सॉल्व किया गया, आप कैसे होते हैं डिसाइड करने वाले? तो जैसे मैंने कहा कि उच्च गति इंटरनेट के उपयोग को सक्षम बनाया गया है और वहां के शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आप देखिए रहे, कोरोना महामारी चली रही थी, बीच में आतंकी हमले भी हुए थे, चुनौतीपूर्ण मौसम भी था, इन सब चीजों को देखते हुए हमने उन चीजों पर काम किया है। और तो और हमने दिसंबर महीने में जिला विकास परिषद का चुनाव भी आयोजित किया था जम्मू कश्मीर में, और बड़े अमन चैन के साथ लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था उसमें। भारत ने एक बार पुनः इस बात को दोहराया कि वह शिमला समझौते वर्ष 1972 और लाहौर घोषणा जो 1999 में हुआ था कि अनुरूप जम्मू कश्मीर समेत सभी बकाया मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करने को तैयार है। हम तो वार्ता के लिए शुरू से तैयार हैं, हम तो हर चीज पे मानते हैं। आप शिमला समझौता करते हैं, आप लाहौर समझौता करते हैं, आप तो समझौता एक्सप्रेस चल रही थी ट्रेन, बताइए, समझौता एक्सप्रेस चल रही थी ट्रेन अटल जी की सरकार में, हमने तो सब चीज करना स्टार्ट किया। आपके पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब से मिलने मोदी जी भी गए थे, उस पर भी हम लोगों ने संवाद किया था। लेकिन स्टार्टिंग आप करते हैं, एंडिंग हम करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है? तो यही सब चीजें हैं, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ब्रिटेन का पक्ष देखिए, ब्रिटेन की सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि नियंत्रण रेखा जेलोसी लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो है कि दोनों ओर मानवाधिकार संबंधी चिंताएं मौजूद है, इनको बड़ी चिंता है, किंतु ब्रिटेन भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय मामलों में मध्यस्थता भूमिका नहीं निभाएगा। अच्छी बात है, अपना निभाइए। कश्मीर को लेकर ब्रिटेन सरकार की नीति स्थिर और अपरिवर्तित है, और ब्रिटेन की सरकार अभी यही मानती है कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर के लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए अस्थायी राजनीतिक समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। बताइए यार, जो होना है वो तो हो गया, वो लोग अमन चैन से हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि वहां कंपनी लगे, वो लोग भी चाहते हैं वहां पे सुकून से रहे। उन जिन बच्चों को पथ भ्रमित किया गया था, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार के द्वारा तरह तरह की योजनाएं चालू की गई है। वहां पर जैसे मैंने कहा कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। जम्मू और कश्मीर में जो विधानसभा है और वहां के लद्दाख में विधानसभा नहीं है, लेकिन दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तरह तरह के प्रोजेक्ट पे सरकार वहां पे काम कर रही है, वहां के युवाओं के लिए तरह तरह के रोजगार परक काम दिए जा रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जो भी कोशिश सरकार की तरफ से बनी, क्योंकि जम्मू और कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है, जैसे विदेश लोग घूमने जाते हैं, हम लोग भी वहां घूमने जाते हैं, दर्शन करने भी जाते हैं, और जम्मू और कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस भी है। अगर वहां पे अमन होगी, शांति होगी, सुकून होगा, तो जाहिर सी बात है विदेशी पर्यटक और अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। अगर आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि रोजगार का मेन वहां पे आय का स्रोत जो है टूरिज्म ही है, पर्यटन ही है। तो यही सब चीजें, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। तो आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर का, आज का यही पे समाप्त होता है। टेलीग्राम का लिंक जो है अनअकैडमी प्रिंसेसॉल के नाम से t.me, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है? अनअकैडमी प्रिंसेसॉल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, इस लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है मैं इसी टेलीग्राम पे देता हूँ। आज का क्लास बस यहीं पे रखते हैं, बाकी आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। और जो भी कुछ पूछना होगा तो टेलीग्राम पे, जब भी मेरी चाहे अनअकैडमी के ऐप पर क्लास हो, चाहे यूट्यूब पर क्लास हो, मैं इसी पर टेलीग्राम पे आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा सकते हैं, PJ01 है, ठीक है? तो बाकी जितने भी मुद्दे हैं, चाहे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का पढ़ाया मैंने, चाहे आपको मैंने WHO के बारे में बताया, WHO ने क्या किया है कि सभी को नेवी ब्लू दिखा रहा है, और जम्मू कश्मीर लद्दाख को कैसे वो ग्रे दिखा रहे कलर में। बाकी मैंने आपको इसमें बताया, ब्रिटेन का भी बताया, UK का भी संसद में जो डिबेट चल रहा है। तो खैर, इन मुद्दों को आप देखिएगा, ध्यान से आप पढ़िएगा, और आने वाले समय में और भी सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। और आपका मैराथन सेशन भी, एक और मैराथन सेशन लाऊंगा मैं, इसी महीने लाऊंगा, कभी भी हो सकता है, मे बी 25 के बाद ही होगा, 25 जनवरी के बाद होगा वो। और आपकी रणनीति के स्ट्रेटजी पे भी वीडियो में लाऊंगा, मतलब स्ट्रेटजी पे भी बात हम लोग करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को चीजें अच्छी आई, समझ में आई होंगी। और जैसे मैंने कहा कि इस 24 एंड ठीक है 31 को, जैसे मैंने कहा कि आपका वो भी है, आपका 31 को अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट भी है, क्योंकि 3 तारीख को हुआ था, फिर 17 को हुआ, फिर 24 को नहीं होगा, 24 को नहीं होगा, फिर आपका 31 होगा, क्योंकि हर अल्टरनेट संडे को होता है कॉम्बैट, अनअकैडमी का कॉम्बैट जो होता है।
बाकी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी अपने सुझाव हो अपने सुझाव दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर हम लोग मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नए अब करंट अफेयर आप लोगों को दिए जाए, डेली का डेली दिया जाए, वीकली दिया जाए, जैसा भी हो दिया जाएगा, और जैसा होगा आपको अपडेट किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।